हेलो एवरीवन, आज हमारा सेकंड डे है केरला मुन्नार में, केरला के मुन्नार में। और आज हम आए हैं मधुपट्टी डैम। यहाँ पे छोटी सी मार्केट है, आप देख सकते हो। यहाँ पे काफी लोग हैं, ये पार्किंग है, ये हमारी गाड़ी है। यहाँ पे हम थोड़ी देर स्टे करेंगे, मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाऊंगी, अच्छे अच्छे व्यू दिखाऊंगी, मार्केट दिखाऊंगी। यहाँ पे मार्केट बहुत अच्छी है, काफी सारी चीजें यहाँ पे लेने लायक। ये देखिए यहाँ का व्यू। ये देखिए यहाँ पे कितनी ग्रीनरी है, ये आपको जितनी भी हरियाली दिख रही है ये सब पूरे चाय के बागान है। ब्यूटीफुल। यहाँ पे ये एक रिवर है, यहाँ पे बोटिंग कराई जा रही है। बहुत सुंदर है, बहुत शांति है यहाँ। मेरे दोस्त आके निकल गए और मैं भी जाने वाली हूँ। ये देखिए कितनी फोटोग्राफी हो रही है यहाँ पे, बहुत सुंदर है। और हम धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहे हैं आराम से। बहुत ही अच्छा व्यू है यहाँ से। ये सब चाय के पेड़ हैं, दूर दूर तक चाय ही चाय है। ये हम आ गए हैं, टी फार्मिंग है यहाँ पे, चाय के खेत में सबसे ऊपर। आप देख सकते हैं नीचे कितना है, ये टॉप व्यू दिखा रही हूँ मैं आपको यहाँ से। बहुत ही सुंदर है, बहुत सुंदर। ये मेरे कुछ साथी जो फोटो ले रहे हैं। ये देखिए वहां दूर कितने हरियाली भरे पहाड़ है। यहाँ पे डैम है, बहुत सुंदर नजारा है यहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा है हमें आके, बहुत शांति है। और ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है जगह, ये सारी की सारी चाय की खेती है। हम काफी ऊपर आ चुके हैं, ये थोड़ा सा और है। यार देखो मजा आना चाहिए पूरे दिन। वहां वो दूर तक ग्रीनरी ही ग्रीनरी दिखाई दे रही है। ये देखिए पूरे में चाय की खेती हो रखी है, दूर दूर तक, जहां तक आप देखोगे वहां तक पूरा ऐसा लग रहा है जैसे कि ग्रीन चादर ओढ़ रखी है। बेहद खूबसूरत जगह है ये। हम सब लोग ऊपर आ गए, ये इसका टॉप व्यू है। अभी एक जंगल व्यू भी अंदर। ये देखिए दोस्त, हेलो। अबे उधर चलते ना, उधर चलते, इनको अच्छा नहीं लगता। अबे इधर चल, इधर की साइड। अरे गाइस, ये मधुपट्टी डैम है, मैं आपको पास से दिखाती हूँ। यहाँ पे वाटर एक्टिविटी हो रही है, देख सकते हैं आप, बोटिंग वगैरह है, काफी बड़ा है। अब यहाँ पे हम थोड़ी देर रिलैक्स करेंगे, बैठेंगे। दोस्तों
दोस्तों अब हम आए इको पॉइंट, यहाँ से इसकी एंट्री है। यहाँ बाहर मार्केट है, और अब हम चलते हैं नीचे। यहाँ कुछ सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों की ये इको पॉइंट है, आप देख सकते हैं। बोटिंग वगैरह कराई जा रही है यहाँ पे, वाटर एक्टिविटीज हो रही है। चलिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ। ये पूरी ऊपर मार्केट है, कितना अच्छा व्यू है यहाँ पे। ये मैं यहाँ तक आ चुकी हूँ और यहाँ पे एंट्री फी लगती है, 10 रुपीज की एंट्री फी है। और ये देखिए इको पॉइंट पे, आप यहाँ पे आगे चलाएंगे तो आपकी आवाज गूंजेगी, इसलिए फेमस है ये। यहाँ से आप टिकट ले सकते हैं। हमने टिकट ले लिया है, अब हम सब अंदर जा रहे हैं। ये इसका एंट्री गेट है। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी कितने सारे लोग हैं। ये मेरे साथी, ये देखिए हम कितने पास आ गए यहाँ पे। देखिए मेरे हस्बैंड आपको चिल्ला के दिखाएंगे और आवाज गूंजती आएगी। सिम्मी कैन सी द व्यू, कितना ब्यूटीफुल है। इस वक्त हम जा रहे हैं कुंडाला लेक गाड़ी से, हम सब साथ में। से हेलो, एबी लुक बिहाइंड फॉर जस्ट अ मिनट। चौहान वाइंस, चौहान वाइंस तूने देखा? तूने देखा यार, इतना तो वाइंस मुझे अच्छा लगता है पूरे यूट्यूब पे। नहीं देखा बहुत सारा। गाइस अब हम लोग आए हैं कुंडाला लेक, ये इसका रास्ता है, यहाँ पार्क होती है गाड़ी और हम उसके पास चलेंगे। छोटी सी मार्केट इधर भी है, यहाँ पे आपको चाय, तेल, अलग अलग तरीके के ये सब मिलेगा खरीदने के लिए। नारियल पानी भी बहुत टेस्टी है यहाँ का, और नारियल भी। ये इस डैम का फ्रंट गेट है, यहाँ से एंटर करते हैं। यहाँ पे फोटोग्राफी करने लगे पड़े सारे। जरा सा दूर चल के आना है आपको पार्किंग के बाद।
जिसमें भी मार्केट भी है थोड़ी सी। ये रही वो डैम और ये उस पर ब्रिज सा है, यहाँ पे लोग काफी फोटोग्राफी करवा रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, ठंडी हवा चल रही है बहुत। ठीक से देखो हो ना यार सीधा। और ये काफी लंबा पाथ है, पैर हिला रही है या मुंह हिला रही है या कुछ कर रही है। ये देखिए बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर, आराम से आप वॉक कर सकते हो, बैठ सकते हो, फोटो खिंचवा सकते हो। ये देखिए यहाँ का व्यू, बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं यहाँ। यहाँ पे ये पानी रोक रखा है, आप देख सकते हैं एकदम रुका हुआ पानी है ये। कुछ मशीनें इससे और इस साइड पानी ये छोड़ रखा है, आप देख सकते हैं यहाँ बहुत ही सुंदर नजारा है। थोड़ा कम है उस साइड, ये कुंडाला डैम है आप देख सकते हैं, बेहद खूबसूरत है ये। ये इसका व्यू है, बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं यहाँ पे। पानी की वजह से हवा बहुत ठंडी लग रही है, जैसा देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे कितने सारे फोटो खिंचवा रहे हैं। बंद है ऐसे वाली सेल्फी लेनी है किसी को। ये देखिए हम यहाँ तक चल के आ गए हैं पूरा, और यहाँ से इसका ऐसा व्यू है। और यहाँ पे बोटिंग भी होती है जो अभी हम करेंगे। और यहाँ पे भी एक छोटी सी मार्केट है, ये इसका एंड है जैसा मैंने शुरू में दिखाया था। यहाँ से बोटिंग वगैरह होती है, यहाँ से एंट्री है। बहुत ठंडी हवा चल रही है, बहुत सुंदर है। टिकट वगैरह लेना पड़ता है आपको यहाँ से, बोट की टिकट से। और मैं आपको पास ले जाती हूँ बिल्कुल। यहाँ पे इस तरीके से टिकट है, आप यहाँ से टिकट ले सकते हैं। और कितना अच्छा व्यू है, मैं आपको बिल्कुल पास का व्यू दिखाती हूँ। एक बोट में 6-6 लोग भी हैं। ये देखिए यहाँ पे, एक तो इतनी ठंडी हवा है यहाँ पे, कितना अच्छा रास्ता है ये। बोट भी है यहाँ पे, ग्रुप बोट भी है यहाँ पे, बेहद खूबसूरत जगह है।
गाइस हमने बोट ले ली है और अब हम बोटिंग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये दो जनों वाली है, पैडल मारने पड़ रहे हैं। इसमें हाफ एन आवर का टाइम मिलता है आपको और आप मेरे बोटिंग कर सकते हो कहीं भी, कोई लिमिट नहीं है कि आपको यहाँ तक जाना है या वहीं तक जाना है। ये देखिए मेहनत तो सिर्फ 300 रुपीज चार्ज है। हाँ 300 रुपीज चार्ज है पर कपल। यस सो अब हम एंजॉय करने वाले हैं अपनी बोटिंग को। देखिए कितना दूर तक है, मोड़ो पहाड़ी पहाड़ है, पहाड़ों पे से तो धुआं उठ रहा है, इतना ठंडा है। श्वेता सब मेहनत करो देख सकते हैं पहाड़ पे कितना धुआं उठ रहा है, मौसम बहुत अच्छा हो रखा है। गाइस कुंदाला लेक के बाद हम लोग होटल गए वापस, हमने रेस्ट करा थोड़ा बहुत, वहाँ से फ्रेश होने के बाद फिर हम आए हैं मार्केट में। यहाँ पे मार्केट है थोड़ा सा उतर के होटल के बाहर, और उसके बाद हमने यहाँ पे डिनर करा है। वहाँ पे बहुत मज़ा आया घूमने में, और जैसा कि मैंने दिखाया था वहाँ पे छोटी मोटी मार्केट है, तो हमने वहाँ से शॉपिंग भी करी और अभी यहाँ से भी हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग करी है। सी यहाँ से चाय, चॉकलेट और स्पाइसेस, ये सारी चीज़ें खरीदी हैं जो यहाँ पे बहुत अच्छी मिलती हैं, अच्छी क्वालिटी की मिलेंगी आपको। ये मेरे पीछे का व्यू है, काफ़ी रात हो गई है, यहाँ पे 10 बजे तक सब कुछ बंद हो जाता है। अभी फिलहाल 10:30 हो रहे हैं, मोस्ट बंद ही हो चुका है, हम लोग घूम रहे हैं रात में। मेरे दोस्त आगे पहुँच चुके हैं और मैं काफ़ी पीछे हूँ उनसे, और अब हम लोग जा रहे हैं वापस अपने होटल। अब मैं आपसे मिलूंगी कल, सो गुड नाइट।